नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग आए हैं ग्रैंड सेंट्रल पार्क। अंदर हम लोगों को चार अलग अलग जोन्स है, उसके बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं और बच्चों के लिए क्या स्पेशल है वो। तो एक्चुअल में मैं आया हूँ संडे के शाम को, जब ये पार्क का मैक्सिमम कैपेसिटी पे लोग आ रहे हैं। पार्क ऑलरेडी फेमस हो चुका है तो उसके हिसाब से बहुत लोग आज आ रहे हैं यहाँ पे। मैं जो बस से आया वो पूरी बस भरी हुई थी, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। और थाने से अगर आपके आना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, तो थाने में से आप ऑटो ले सकते हो। मीटर्ड ऑटो से आप आओगे तो अराउंड 130 रुपीज़ होगा 8.5 किलोमीटर का। या तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है बसेस से आना, तो दो बसेस है हम लोगों के पास। थाने स्टेशन का जो वेस्ट वाला बस स्टॉप है ऊपर जो स्थित है वो, वहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं। दो बसेस है 95 नंबर और 98 नंबर, जो कोलसेट साइड आती है वो। तो थाने स्टेशन से कोलसेट का टिकट जो है 18 रुपया होता है बस का, तो वैसे आप देख सकते हो। सो गाइज, ये दोनों बसेस का जो है फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मुझे खुद को 45 मिनट्स वेट करना पड़ा, तब जाके हम लोगों को ये बस मिली है। और शेयरिंग ऑटो से भी आप आ सकते हो, पर पर्सन 40 रुपीज़ वो लेते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो मैं सजेस्ट करूँगा पर्सनल व्हीकल से आने के लिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के वजह से ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। और अभी रश इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को बराबर से ट्रैवल भी नहीं करने मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो ये DLB डिग्री कॉलेज के बस स्टॉप के सामने ही आपको मिल जाएगा कल्पतरु पार्क सिटी, और यहाँ से ही हम लोगों को ग्रैंड सेंट्रल पार्क का एंट्रेंस है। तो अगर आप व्हीकल से आए हो या खुद से आए हो तो आप एंटर कर लेना। अंदर आप लोगों को 6 अलग अलग गेट मिलेगा। अंदर लोग रहते हैं जो आपको डायरेक्ट करते हैं, अगर अंदर की पार्किंग फुल रहेगी तो बाहर आपको पार्किंग करने मिलता है। ये अंदर का पार्किंग का जो चार्जेस है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। 4-व्हीलर रहेगा 40 रुपीज़ 4 आवर, 2-व्हीलर 20 रुपीज़ 4 आवर, और बाइसिकल अगर आपका रहेगा तो 10 रुपया पूरे दिन का पार्किंग चार्जेस है। कैश ओनली है गाइज, अभी स्टार्टिंग हुआ है इसीलिए, तो आप लोग कैश ज़रूर कैरी कर लेना, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पे टेम्प्ररी स्टॉल्स भी लगाए जहाँ पे आपको फटाक से टिकट मिल जाएगा, पर वहाँ पे उन लोग ने ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल रखी है। तो अगर कैश होगा तो आप लोगों का काम यहाँ पे बहुत फटाफट हो जाएगा, यहाँ पे पार्किंग में भी और ये जो एक्सटर्नल टेम्प्ररी टिकट काउंटर्स अवेलेबल है वहाँ पे भी। अगर आपको सीनियर सिटीजन का या बाकी कुछ कंसेशन वाला टिकट्स लेना है तो आपको मेन गेट के टिकट काउंटर पे ही जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बट अगर आप जनरल टिकट ले रहे हो तो आपको बाहर भी मिल जाएगी ये। तो मंडे के दिन या सोमवार के दिन पार्क बंद रहता है, तो मेंटेनेंस वगैरह के लिए उन लोग बंद रखते हैं। अभी हम लोग गेट नंबर 1 के टिकट काउंटर पे है, तो यहाँ पे हम लोग सब रूल्स एंड रेगुलेशंस देख सकते हैं, कैसे आना है, कब आना है और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। पहले हम लोग को डे का पास मिलता था, अभी मंथली पास भी चालू हो गया है यहाँ पे, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, फिर दोपहर में 1 से लेके रात के 9 बजे तक रहता है। वीक डेज का प्राइस अलग है और सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडेज का प्राइस अलग है। DSLR भी अभी अलाउड है, 150 रुपीज़ उसका अलग से चार्ज देना है। तो आप लोग का जो भी टिकट से वो लेके आप स्कैन करके अंदर आ जाइएगा गाइस। सो गाइस, यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोगों को गोल्फ कार्ट है, और डिफरेंटली एबल जो रहेंगे उनके लिए भी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे है गेट नंबर 1 पे, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो राइट साइड में जो है प्ले जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली लेफ्ट साइड में लेक जोन है, सामने लेक दिख रहा है हम लोगों को। और थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पे तो थीम गार्डन, और उसके आगे स्पोर्ट्स एरिना है, तो वैसे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हर एक एरिया में कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स है, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है 12, तो वो देखना है अभी एक एक करके। प्ले जोन जो है वो बच्चों को फोकस में रख के बनाया गया है, और बच्चों के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट है यहाँ पे।
प्ले जोन में टोटल 11 चीज़ें हैं बच्चों के लिए, थोड़े चीज़ें यहाँ पे बड़ों के लिए भी है। ये विक्ट्री हिल है, आप देख सकते हो थोड़ा मेज़ है इसके बाहर के साइड में, और अंदर के साइड में ये हिल है जिसपे बच्चों को जाना रहता है। यहाँ पे हमें जिप लाइन, स्प्लैश पैड, एडवेंचर प्ले, टॉट लॉट, स्लाइड्स, फिटनेस स्टेशन, पेशियो, ट्री हाउस एंड एडवेंचर जोन, और एक ग्रीन ग्रो करके भी है। पर सबसे स्पेशल बच्चों को जो ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो है ये स्प्लैश पैड में। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो गाइस, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक पैर एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़ा लेके आ जाओ और टॉवल्स वगैरह लेके आ जाना, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे आके देखेंगे ना तो उनको बाहर रखना नामुमकिन है आपके लिए। तो कपड़ा लेके आओगे तो आप उनको ड्राई लेके जा सकते हो वापस। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ के स्प्लैश पैड के, तो वो देख लेना। चेस खेलते टाइम एक्चुअली बहुत चीटिंग हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो एक प्लेयर है और उसके सब दोस्त लोग आके सब कौड़ी हिला रहे, कोई भी एकदम पद्धत सिर नहीं खेल रहा है। ये है ट्री हाउस एंड एडवेंचर जोन, तो ये ट्री के अराउंड बनाया गया है एडवेंचर जोन, स्लाइड्स वगैरह है यहाँ पे। नीचे ही आप देखोगे तो आपको एक QR कोड भी मिल जाएगा और ट्री के डिटेल्स भी मिल जाएंगे। ये ट्री तो हम लोग सबको पता ही है, बनियान ट्री, वट का जो ट्री है वो। QR कोड स्कैन करेंगे तो हम लोग को उसका और भी डिटेल्स जो है वो समझ में आ जाएगा। प्ले जोन का ये एक सेक्शन है ग्रीन ग्रोव जोन, तो ये वो है। बहुत ही शांति थी यहाँ पे और एकदम ठंडक महसूस हो रही थी ट्रीज के बीच में। यहाँ से हम लोगों का स्पोर्ट्स अरीना का जो जोन है वो चालू होता है। यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट ऑन रूफ टॉप, बेसिकली ये टर्फ है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों को एडवांस में बुक करना पड़ता है, तो काउंटर पे आप इंक्वायर कर सकते हो। जो रूफ टॉप पे टर्फ है मल्टीपर्पज़ कोर्ट वाला और टेनिस कोर्ट जो है, इसके लिए आपको एडवांस करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों को स्केट पार्क भी देखने मिलता है। स्केट पार्क एक्चुअली बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे उनसे सुनने में आया कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे स्केट पार्क में। तो हमारा प्ले जोन और स्पोर्ट्स अरीना देख के हो चुका है, अब हम बढ़ेंगे थीम गार्डन्स की ओर, जहाँ पे चार अलग अलग थीम्स के गार्डन बनाए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये फ़िलहाल है वीविंग डेक, मल्टीपल वीविंग डेक्स है पूरे जोन में यहाँ पे, तो ये वन ऑफ देम है। बढ़ते हैं थीम गार्डन की ओर। थीम गार्डन जाते वक्त हमें ये पहला जो चीज़ मिलता है फ्लोरा ट्रेलिस, ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है लोगों को, खास करके सनराइज़ के टाइम और सनसेट के टाइम। यहाँ पे जो साइड से लाइट्स आती है, आपके फ़ोटोज़ बहुत ही बैंगर बनेंगे यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना। पर जब रश होगा तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो आप वीक डेज़ में आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही ढांसू फ़ोटो मिल जाएंगे। फ्लोरा ट्रेलिस को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये बाहर के जो प्लांट्स हैं, एक बार पूरे ग्रो होने के बाद ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर दिखेगा और उस पर फ्लावर्स भी आएंगे। तो गाइज ये है जापानीज गार्डन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जापान का थीम दिया हुआ है। ये है ग्रीन कोनीचेवा स्ट्रेट फ्रॉम जापान, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एक ट्रेडिशनल हट है जो जापान में पाया जाता है। तो अगर आपने ताकेशी कासल देखा होगा तो उसमें ये स्ट्रक्चर के अंदर भी एक गेम होता था जहाँ पे फीलों पे बिठा के पूरे घर को हिलाया जाता था। तो ये सम वॉट काइंड ऑफ सेम है, पर ये बहुत ही रिजिड और स्ट्रांग बनाया है। यहाँ पे अच्छा दिख भी रहा है, यहाँ पे एकदम फील आ रहा है कि हम लोग वो जगह पे है एक्चुअल में। तो जो नेक्स्ट गार्डन है हमारा वो है चाइनीज़ गार्डन। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो अलग है, यहाँ पे सर्कुलर डोर है, अंदर हम लोग देखेंगे तो डिटेलिंग बहुत अच्छे से किया है, लैंटर्न्स वगैरह लगाए हैं ऊपर, और जो स्ट्रक्चर आप देखोगे एकदम प्रॉपर चाइना वाला जो गार्डन होता है वैसा किया हुआ है।
तो बहुत ही एकदम अमेजिंग वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। बट सीन यही है कि हम लोग अगर पूरा अच्छे से एंजॉय करना है हम लोगों को, तो वीक डेज में हम लोगों को विजिट करना पड़ेगा, तो आप ये जगह का एक्चुअल मज़ा ले पाओगे। ये है मुगल गार्डन, आप देख सकते हो मुगल कारीगरी का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डिज़ाइन आप देख सकते हो इसमें, जो वाइट कलर का है वो सब अच्छे से बनाया गया है। और उसके बाद ये है मोरक्कन गार्डन, तो ऐसे चार टोटल गार्डन है यहाँ पे। मोरक्कन गार्डन का जो ये वाइब्रेंट ब्लू कलर का वॉल्स है वो बहुत लोगों को पसंद आया है, सब लोग यहाँ पे अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रहे थे जब हम लोग गए थे तब। तो गाइस फ़िलहाल यहाँ पे चार जोन है जो हम लोग देख रहे हैं वो, पर एडिशनली यहाँ पे और दो जोन ऐड होने वाले हैं जिसके लिए ऑलरेडी जगह छोड़ी गई है। एक तो है स्नो पार्क और दूसरा है सेवन वंडर्स पार्क। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये ऑलरेडी चार जोन में और ये दो जोन ऐड होंगे तो और भी यहाँ पे मज़ा आने वाला है विजिट करने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं फाइनली लेक जोन। तो थाने को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, और ये जो एक्स ब्रिज बनाया हुआ है ये लेक के ऊपर, ये एक आइकॉनिक डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है इसको ब्रिज को, यहाँ से आपको सनराइज सनसेट दोनों का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा ये ब्रिज के ऊपर से। तो लेक साइड वाले जोन में हम लोगों को एक वाटरफॉल भी देखने मिलता है। तो अभी सन सेट के टाइम का जो रेज है उस पर गिर रहा है और ये कितना ग्लो होके ब्यूटीफुल दिख रहा है आप देख सकते हो। भले ही ये वाटरफॉल जो है आर्टिफिशियल है पर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसको, और बहुत लोगों को पसंद आया कि एक लाइव वाटरफॉल देखने मिल रहा है हम लोगों को पार्क के अंदर। उसके बाद में ये जो जोन है एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ है सिटीस्केप के, फाउंटन का, उसके बाद में जो सेंट्रल लेक है उसका, एकदम अलग ही दुनिया लग रही है ये जब हम लोग इस तरफ आते हैं उस साइड। सामने हम लोगों को ये जो दिख रहा है फाउंटन वो सेंट्रल लेक के अंदर है, और ये लेक यहाँ पे का जो सबसे बड़ा एरिया है वो कवर करता है। तो लेक साइड एरिया में भी फिटनेस इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, तो हम लोग ओपन एरिया में सनराइज सनसेट देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा वार्म अप या वर्कआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हैं और सनसेट का मज़ा ले रहे हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट होने वाला है थाने का सनसेट देखने के लिए। उसी के बाजू में हम लोगों को चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी देखने मिलता है यहाँ पे, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद एमपी थिएटर। सो एमपी थिएटर बहुत ही एक्यूरेटली डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे। आप सामने की तरफ बैठोगे तो आपको आवाज़ एम्पलीफाई होके सुनाई देती है। यहाँ पे प्लेग्राउंड्स भी है जहाँ पे आप अपने फैमिलीज के साथ गेम्स खेल सकते हो। सो गाइस मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, आप लोग सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलीडे पे मत आना क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, आपको पार्क को थोड़ा भी एंजॉय करने नहीं मिलेगा, आपका आधे से ज़्यादा टाइम जो है लाइन में खड़े रह के ही निकल जाएगा। तो वैसे आप प्लान करके वीकडेज में आओगे तो बेटर रहेगा। सो गाइज इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका पर्सनल व्हीकल रहेगा तो आप उससे ही आना यहाँ पे, क्योंकि जाते टाइम यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है, ऑटो रिक्शा भी आप लोगों को यहाँ पे बराबर से मिलती नहीं है, और बस का तो फ्रीक्वेंसी आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे बहुत कम है, और रहता है बस तभी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बस ऑलरेडी भर के आती है कोलशेट से। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप वैसे आपका जो यहाँ पे आने वाला ट्रिप है वो प्लान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।